नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक तरफ जो है तो कोरोना महामारी से कहीं ना कहीं समस्या इस बात की है कि लोग इतने ज़्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इस वायरस का जो है तो कहर इतना ढाता जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखने को ये चीज़ मिल रहा है कि पूरे सीधी में जो है तब तक 50 लाश जो है तो नगर पालिका ने खुद जलाई है और कुछ ऐसे हैं जो कि सदस्य जो है परिजन जो है खुद उठा के लेके गए। वहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है अपने को कि सीधी जिले में जो है तो लगभग एक गाड़ी में करीब कम से कम कह सकते हैं कि 10 से 12 लोग एक गाड़ी में रीवा से भर के यहाँ ललता चौक पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है तो पुलिस अभी भी जो है तो इनकी जो ड्यूटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम आप लोगों को बता दें कि टाइम 9 बज चुका है और 10 बजे तक यहाँ पे इनकी ड्यूटी है और 9 बजे तक जो है यहाँ पे तैनात है, जिन्होंने जो है तो लगभग 15 से 16 आदमियों को पकड़ा है। हम आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि सीधी जिले में जो है तो कहीं ना कहीं से वो जो है तो भाग कर अगर आ जाते हैं तो ये जो सीधी जिले की जो पुलिस है कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ ज़रूर टेस्ट करती है कि गाड़ी के अंदर क्या है। आप लोगों को हम बता दें कि जिस तरीके से गाड़ी की जब चेकिंग हुई फर्स्ट में, तब उस टाइम ये लगा मुझे कि गाड़ी में कुछ है ही नहीं, लेकिन वहीं पर जब ये चीज़ देखा गया कि जब गाड़ी की ट्राली में जब देखा गया तो गाड़ी की ट्राली में करीबन 10 से 15 आदमी घुसे हुए हैं जो कि भेड़ बकरियों की तरह बिल्कुल बैठे हुए थे। आप लोगों को ये चीज़ हम कह सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि बहुत बुरी तरीके से कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, फैल रहा है, जैसे कि डेली के कम से कम इतने केस मिल रहे हैं। आप लोगों को पता ही ये चीज़ अपने को देखने को मिला। वहीं पर जो है तो पूरा पुलिस स्टाफ यहाँ पे चेकिंग लगा के रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि गाड़ियों को जो है तो रुकाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस मैटर से जा रहे हैं, क्या आपकी समस्या है, पूरी तरीके से चेकिंग लगी हुई है। वहीं हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे, सर से जानकारी ये चीज़ का लेंगे कि आखिर में किस बात का जो है वो कहाँ से आए, कैसे आए, उनसे जो है तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी वही आइए हम सर से जानते हैं कि गाड़ियां जो है तो कहां जा रही हैं। यहां आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की चेकिंग लगी हुई है, पूरी तरीके से चेकिंग किया जा रहा है कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे हैं, पूरी आप देख रहे हैं खुद ही। रात को 10 बजे तक ड्यूटी बताइए कि इतनी बड़ी धूप होती है, 2 बजे से पुलिस जो है तो शिफ्ट चेंज होता है पुलिस का, वहीं पे 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इतनी बड़ी धूप में बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, भूखे प्यासे पानी के लिए भी तरसते रहते हैं। यहाँ पे एक बूंद पानी की भी समस्या होती है क्योंकि आपको पता ही कि पूरी दुकानें जो हैं तो बंद पड़ी हुई हैं। हम यहाँ पे सारा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आपने अभी गाड़ी पकड़ी सर, उसमें लगभग कितने आदमी रहे होंगे, आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? 15-16 आदमी रहे होंगे उसमें। तो अभी उनको जो है तो जी थे और पीछे बैठे थे, टोटल मिला के 15-16। अभी सर उनको कहाँ भेजा गया? अभी वो गाड़ी कोतवाली भेजे हैं जी, 188 कार्रवाई करेंगे उसमें जी। ये बताइए आपकी यहाँ पे शिफ्ट कब लगी, कितने बजे से? हमारी शिफ्ट 2 बजे से 10 बजे रात तक है। और लगभग सुबह वाली जो शिफ्ट है सर, कब से स्टार्ट हो जाती है? सुबह वाली 6 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक सर, 2 बजे से आपकी जब ड्यूटी स्टार्ट होती है तो सर पानी वगैरह तो यहाँ मिलता नहीं, तो सर कैसे आप गुजारा करते हैं? पानी आपको सर कहाँ मिलता है, किस तरीके से आपकी सर यहाँ व्यवस्थाएँ होती हैं बताइए हमें। नहीं, पानी वगैरह की व्यवस्था है, पानी और खाने पीने की व्यवस्था है, हमारे विभाग की तरफ से पानी भी आता है, खाना भी आता है। लेकिन सर छाया की व्यवस्था तो नहीं हो पाती क्योंकि आप यहाँ पे तैनात रहते हो, यहाँ पे तो आपको छाया की व्यवस्था तो मिलेगी नहीं? छाया की व्यवस्था टेंट लगा हुआ है नगर निगम की तरफ से, कुर्सियाँ भी हैं, कुर्सियाँ भी लगी हुई है। तो शिफ्ट में बैठते हैं, जैसे अभी मैडम बैठी हुई हैं, फिर वो आ जाती हैं ना, फिर अभी आप हैं इस तरीके से। तो सर आप ये बताइए कि अभी तक लगभग 2 बजे से लेके अभी तक में सर कितने वाहन ऐसे कोई आते जाते रहते हैं? जैसे अभी मैंने देखा कि एक गाड़ी पकड़ी गई, अभी सर 2 बजे से लेके अभी तक में कोई और गाड़ी पकड़ी गई क्या? नहीं, ऐसी गाड़ी तो नहीं पकड़ी गई, लेकिन जिनका ज़रूरी काम रहता है हॉस्पिटल से संबंधित या और कोई ज़रूरी काम रहता है उनको छोड़ देते हैं। जिन ऐसे घूमते घामते तो ऐसे नहीं मिले कोई, यही एक गाड़ी मिली है तो उसको थाने भिजवा दिए जी। बिल्कुल, जो कोई भी निकल रहा है तो अपने ज़रूरी काम से ही निकल रहा है, ऐसे फालतू तो कोई नहीं निकल रहा जी। एक तरफ ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से जो है तो सर की ड्यूटी चल रही है 2 बजे से लेके हम बता रहे हैं रात को 10 बजे तक, बताइए ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, जनता के लिए, आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आवश्यक कार्य आपको, ज़्यादा आवश्यक अगर आपको कार्य नहीं पड़ रहा है तो आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये चीज़ कहेंगे आप लोगों को कि जैसे गाड़ियों में अभी भेड़ बकरियों की तरह भरा गया है, 15 से 16 आदमी एक तरह, छोटे छोटे बच्चे तक, हम जो है तो आप कैमरे में वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 15 से 16 जिनमें से 2-4 बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, ऐसे बताइए भर के गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, छुपा के लेके जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर कि आपको कैसे लगा कि गाड़ी के अंदर आदमी बैठे हुए हैं?
हम चेक किए गाड़ी को, उससे पूछे, जब पीछे साइड में निकला तो उसमें दिखे ऐसे कि लगता है कि इसमें पब्लिक बैठी। फर्स्ट में जब आपने उसे रुकाया तो उसने क्या बताया कि पब्लिक है अंदर? नहीं नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो जब निकलने लगा तब देखे, तब फिर रुकवाए उसको। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो जरूर आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि पत्रकार उसमें एक सदस्य था जिस जो है कि हमें दिखा रहा था कि हम प्रेस हमारे पास कार्ड है जो कि एक्सपायर था 2020 तक का था। लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि पत्रकार क्या इसके लिए होता है कि गाड़ियों में 2-4, 10-20 लोगों को बैठाए? क्या इसके लिए होता है, इसका गलत फ़ायदा उठाए? आखिर में पत्रकार क्यों ऐसा कर रहे हैं कि किसी का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुद बताइए कि पत्रकार को भी बदनाम कर रहे हैं, पूरे पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो लगभग हम ये कहेंगे कि इस पूरे पत्रकारिता को ही गाली पड़ने वाली है। क्योंकि आप लोगों को जो है तो इसके लिए पत्रकारिता की छूट दी गई है कि आप जो है तो पब्लिक को पॉजिटिव और निगेटिव खबरें दिखाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-4, 10 लोगों को गाड़ी में बैठाएं और लेके घूमते रहें, कभी सिंगरौली कभी रीवा तो बता रहे हैं कि कभी यहाँ। इस तरीके से जो है तो फ़ायदा ज़रूर ना उठाएं इन सब चीज़ों का, नहीं तो आपकी पत्रकारिता की जो आईडी है वो भी जब्त कर ली जाएगी। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि गलत कदम ना उठाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। गाड़ियां जो है तो अभी यहां पे भी लगी हुई है, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की गाड़ी जा रही है। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। लेकिन एक बार फिर से हम आपको कहेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे कदम ना उठाएं। धन्यवाद। भाई इतने लेके जा रहा, कहाँ से लेके आए भाई? मऊगंज से। कहाँ जाएगा? यहीं से। क्यों लेके आया? इंसान भरे हुए हैं ये बताओ, बड़ा लेके जा रहे हो? गाट तेरी की, ये देख रहे हैं आप? देख रहा है ना, मत जाने दीजिए सर। चलो कहाँ, ये मजदूर है सर? मजदूर नहीं, कौन है? ये कौन है सर? घर जा रहे हैं। कहाँ से लेके आए? मऊगंज से। मऊगंज, मऊगंज में सब इतने कहाँ इकट्ठे थे? तिलक लेकर आए। तुम बारात लेके तिलक चढ़ा रहे भैया, तुम इस सीजन में बताओ, तुम परमिशन है तुम्हारे पास सर? फिर सर। हाँ काका बोला सर, परमिशन है आपके पास? ये तिलक लेके आप घूम रहे हैं, परमिशन है आपके पास? काया लगता है कौने विभाग से? काया प्रेस का आईडी कार्ड पुराना, फुल प्रेस का दिखावा ना आईडी कार्ड? हाँ दिखा दीजिए, किस कौन से कंपनी का है, हम भी देख लें। एक मिनट रुकिए, टॉर्च जला के देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ, ये आपका एक्सपायरी है कार्ड? आपका एक्सपायरी है 2020 तक का था? नहीं, कार्ड भी एक्सपायरी है, लेकिन ये मैटर ये नहीं करता, आप प्रेस का इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकते काका। नहीं नहीं हम देख रहे हैं उसकी वैधता, आप हमने देख लिया है, लेकिन आप काका ये बताइए कि प्रेस वाले हैं तो क्या बारात लेके घूमेंगे? नहीं फिर नहीं, मेरा मैटर वो नहीं है। देखिए प्रेस के परिचय पत्र है, बारात लेके निकल गया है, ये बारात लेके रिन्यूबल धन निकल गया है तो क्या करियो का रिन्यूबल को बताओ? नहीं आप ठीक है, आप प्रेस वाले हैं, हमने माना आप प्रेस वाले हैं, क्या ये गाड़ी ले जाने के लिए आप प्रेस वाले हैं? गाड़ी थोड़ा ले जाएगा हम, जैसे किसके साथ हैं आप? गाड़ी के साथ में हैं? किसके साथ है? मेरा सर, इतना सवारी बैठा है जानवर आदमी है? कितने आदमी है? 16 आदमी टोटल, इसमें बैठे। ओहो नीचे भी बैठा, छोटे छोटे बच्चे भी है सर, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। 4-7 असलियत बताओ, कहाँ से लेके आए हो, क्या मैटर है तुम्हारा? सही सही बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेके आए इनको, ये सब कहाँ से इतने लोग मिले आपको?
मऊगंज से आगे थोड़ा 8 किलोमीटर पटेहरा है, प्रभर पटेहरा। अब यहीं जाना है। कहाँ जाना है, क्या नाम है आपका? सोमनाथपुर। तो ये इतने लोग कहाँ थे, कहाँ से लेके आ रहे हैं? घर से, लड़का बच्चे हैं, घर जा रहे हैं। इधर के इतने लोगों को इकट्ठा, मतलब आपको मालूम है कि ले जाना ही अपराध है आपको? किस तरीके से बैठे हैं आपको पता है? अभी मान लीजिए एक इंसान को कोरोना हो तो जब ब्लास्ट होगा तो पूरे एक साथ मरेंगे, मालूम है आपको? फिर क्या समस्या क्या है आप? किस तरीके से कहाँ है काम कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन में? क्या सर, माफ करेंगे इनको? क्या करेंगे इनका? क्षमा कीजिए, क्या जब घर आपका यहाँ है तो इनको कहाँ से लेके आ रहे हैं? यार सब पाही से आ रहे हैं। ये अजीब बात है, इतने सारे लोग भरे हुए हैं, लेडीज भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बाप रे बाप, 2 साल का बच्चा है बताइए। इन्होंने तो मास्क भी नहीं लगाया है, काक लोग ऐसे हैं। सामान भी रखे होंगे ना।